स्किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल में पहली बार एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ECMO कार्यशाला का आयोजन 9 दिसंबर को किया गया है। यह एक नवीनतम चिकित्सा पद्धति है। इसमें रोगी के शरीर के रक्त को ऑक्सीजनेटर में ले जाना और रोगी को वापस लेटाना होता है। इसमें ऑक्सीजन स्तर में सुधार होता है और अतिरिक्त CO2 निकल जाता है। विश्व में पिछले 25 साल से यह पद्धति उपयोग में ली जा रही है। स्वाइन फ्लू महामारी के दौरान ये पद्धति चर्चा में आई और लोगों की जान बचाने में सहायक साबित हुई। ये जानकारी किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल में आयोजित पत्र परिषद में डॉक्टरों ने दी। कोविड के दौरान यह पद्धति जान बचाने में मददगार साबित हुई। फेफड़े के प्रत्यारोपण की जरूरत है वाले मरीज, गंभीर निमोनिया के मरीज एवं ऑक्सीजन में गिरावट होती ऐसे मरीज, इनके ECMO उपचार पद्धति से इनकी जान बचाई जा सकती है। हृदय रोगियों के लिए रक्त संचरण में भी इसकी मदद ली जा सकती है। किम्स किंग्सवे में ECMO का कार्यक्रम यूनिट तैयार है। हम सेंट्रल इंडिया की फर्स्ट वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं ऑन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन थेरेपी, जो कि 9 दिसंबर सैटरडे को ऑर्गेनाइज की गई है। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए ऑर्गेनाइज की गई है ताकि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन थेरेपी लोगों को पता चले क्या है और उसका यूज़ पेशेंट्स को मिल सके, जो कि सेंट्रल इंडिया में काफ़ी मोडालिटीज़ आई है बट इसके बारे में नॉलेज नहीं होने के कारण पेशेंट्स को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही है। ECMO यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब है बॉडी के बाहर। तो बॉडी के बाहर हम क्या करते हैं, जैसे लंग्स का काम जो रहता है, अगर लंग्स काम नहीं करते तो ऐसे स्थिति में हम लंग्स का काम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल यानी बॉडी के बाहर करते हैं। इसकी मशीन रहती है, एक ऑक्सीजनेटर रहता है, उसमें हम ब्लड पेशेंट का एक एंड से ब्लड निकाल के उसमें ऑक्सीजनेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा बाहर निकलता है वैसे ही ब्लड में से बाहर निकालते हैं और वही फिर पेशेंट को दूसरे कैनुला से हम इन्फ्यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। काफ़ी सारे डेलीगेट्स उसके लिए रजिस्टर हुए हैं, ऑलमोस्ट 70-80 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है। ये जो डेलीगेट्स रजिस्टर्ड है तो इसमें क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, फिजिशियंस है, परफ्यूजनिस्ट है, जिनको भी, और नर्सेज भी है जिनको ECMO के प्रोग्राम्स आइदर उनके हॉस्पिटल में रन करना है या ECMO के बारे में जानना चाहते हैं वो ज़्यादा, कि कौन से पेशेंट्स को ECMO पे रखा जाता है, कौन से पेशेंट्स ECMO से बेनिफिट हो सकते हैं, इसके लिए ये लोगों ने रजिस्टर किए हुए हैं। एक दिवसीय प्रोग्राम में आधा दिन हम लेक्चर्स रहेंगे। ये लेक्चर्स के लिए बहुत सारे फैकल्टीज़ बाहर से आए हैं, नेशनल इंटरनेशनल फैकल्टीज़। 2 फैकल्टीज़ दिल्ली गुड़गांव से, 40 गुड़गांव से हैं और 3 फैकल्टीज़ किम्स सिकंदराबाद से हैं।